अमेरिका के एक काफी मशहूर नेवल ऑफिसर, एविएटर और पोलर एक्सप्लोरर रिचर्ड ई बॉयर्ड, जिन्हें फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन में कई मेडल्स और अवार्ड्स भी मिले थे। पर एयर 1954 में रिचर्ड ने एक एक्सपेडिशन के बाद दिए इंटरव्यू में हमारे अर्थ के अंदर मौजूद ऐसी मिस्टीरियस जगह के बारे में हिंट दिया, जो कि ना सिर्फ दुनिया के किसी भी मैप में थी, बल्कि इस जगह पर पूरी की पूरी एडवांस सिविलाइजेशन ही मौजूद थी, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। And perhaps about something about the bottom of the world too. लेकिन जैसे ही अर्थ के अंदर मौजूद इस सीक्रेट सिविलाइजेशन के बारे में गवर्नमेंट को पता लगा, तो फौरन ही रिचर्ड के इस क्लेम को पूरे इतिहास से मिटा दिया गया। तो आखिरकार एडमिरल रिचर्ड ने कौन सी सिविलाइजेशन की खोज कर ली थी जो हमारे अर्थ के ही अंदर मौजूद थी, और सरकार के इस बात को छुपाने के बावजूद भी ये बात सबके सामने कैसे आ गई? तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अंटार्कटिका के अंदर मौजूद एंशिएंट सिटी के रहस्य के बारे में। आज से तकरीबन 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड के आसपास कई एक्सप्लोरर अपना सफर अंटार्कटिक ओशन की तरफ करते हैं नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के फौरन बाद ही अमेरिका के फेमस नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बायर्ड, जो कि दुनिया के पहले पायलट भी थे जिन्होंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स के ऊपर फ्लाई किया था, वो एयर 1946 में प्रोजेक्ट हाइजम नाम का एक ऑपरेशन लीड करते हैं जिसे US नेवी ने ऑर्गेनाइज किया था। ये ऑपरेशन अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेडिशन होने वाला था, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर किया गया था, जिसमें 13 शिप्स, 23 एयरक्राफ्ट और लगभग 4700 मिलिट्री पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एडमिरल रिचर्ड का इस एक्सपेडिशन का सिर्फ ये मकसद था कि अंटार्कटिका में US मिलिट्री के लिए रिसर्च बेसिस और अंटार्कटिका पर साइंटिफिक रिसर्च करी जा सके। उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सभी कंट्रीज अपनी मिलिट्री फैसिलिटी को और भी ज्यादा एडवांस और सीक्रेट बनाना चाहती थी, इसीलिए इन सीक्रेट ऑपरेशन के लिए अंटार्कटिका सबसे बेहतरीन जगह थी। शुरुआत में तो ये ऑपरेशन लगभग 4 महीने लंबा होने वाला था, पर अंटार्कटिका में हुई कुछ ऐसी घटना की वजह से इस ऑपरेशन को 2 महीने के अंदर ही पूरा करना पड़ा, और उस टाइम पर गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को जल्दी खत्म करने की वजह बताई थी अंटार्कटिका का खराब वेदर कंडीशन और तो और लॉजिस्टिक चैलेंजेस जो उन्हें अंटार्कटिका में फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन इस एक्सपेडिशन को जल्दी खत्म करने की असली कहानी हमें पता चलती है एडमिरल रिचर्ड की मौत के बाद, जब उनके ही बेटे रिचर्ड इवेलिन बायर्ड 3 ने अपने फादर की पर्सनल डायरी डिस्कवर करी, जिसमें एडमिरल रिचर्ड ने अंटार्कटिका में हुए एक अनोखी घटना के बारे में बताया था, जहां उन्होंने अर्थ के अंदर एक पूरा का पूरा मिस्टीरियस शहर ही खोज निकाला था। हालांकि ऐसा नहीं था कि रिचर्ड के लिए ये नई बात थी कि हमारे अर्थ के अंदर जाना भी मुमकिन है, बल्कि एडमिरल रिचर्ड को अंदर मौजूद मिस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा था, क्योंकि उस टाइम पर काफी माइथोलॉजीज और थ्योरीज भी हमारे अर्थ के हॉलो या खोखला होने का दावा करती थी, जिनके हिसाब से हमारे अर्थ के अंदर दूसरी दुनिया होने की बात कही गई है। जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में इस अंडरवर्ल्ड या अर्थ के अंदर की दुनिया को पाताल के नाम से बुलाया गया है, और रामायण के बंगाली वर्जन में ये दर्शाया गया है कि किस तरह रावण के भाई अहिरावण, जो कि पाताल लोक का राजा था, उसने रामा और लक्ष्मण दोनों को ही पाताल में पकड़ लिया, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें पाताल लोक से बचाया था। और इसके अलावा भी क्यूबा की टाइनो ट्राइब, नेटिव अमेरिका की मंदन ट्राइब के लोग न सिर्फ ये मानते थे कि हमारी अर्थ अंदर से खोखली है, बल्कि उनके पूर्वज भी जमीन के अंदर ही रहा करते थे। पर ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ माइथोलॉजीज तक ही सीमित है, क्योंकि इन माइथोलॉजीज के अलावा भी कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, जो कि अर्थ के खोखला या हेलो होने का दावा करती हैं, जैसे कि इनर सन थ्योरी। आज के टाइम पर साइंस के हिसाब से हमारे अर्थ की 4 लेयर्स हैं। अपर लेयर, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर आती है मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और फिर इनर कोर। और अगर आप इसी इनर कोर की बात करें तो साइंटिस्ट के हिसाब से इस इनर कोर की रेडियस तकरीबन 1220 किलोमीटर लंबी है,
जिसका टेम्परेचर लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और इसके अलावा ये इनर कोर अपनी खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। लेकिन अगर आप इनर अर्थ थ्योरी की बात करें तो उसके हिसाब से अर्थ के अंदर कोई इनर कोर नहीं, बल्कि हमारी अर्थ हॉलो है। और इस हॉलो अर्थ के अंदर एक और सन मौजूद है, जो कि अर्थ के अंदर मौजूद सिविलाइजेशन का एनर्जी सोर्स है, जो वहाँ के लोगों को हीट और लाइट प्रोवाइड करने का काम करता है। और तो और, इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ के अंदर मौजूद ये सिविलाइजेशन अर्थ के सरफेस पर रहने वाली सिविलाइजेशन से कई गुना एडवांस है। और तो और, इसी कंस्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से अर्थ के अंदर जाने के सिर्फ दो ही ओपनिंग है, जो कि हमारे अर्थ के दोनों पोल्स, साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स पर मौजूद है। यानी कि एडमिरल रिचर्ड को इन कंस्पिरेसी थ्योरीज और माइथोलॉजीज का थोड़ा बहुत अंदेशा था, इसीलिए उनकी डायरी के हिसाब से रिचर्ड ने उसमें अपनी जर्नी के बारे में डिटेल्स में लिखा कि जब वो साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका के ऊपर अपना प्लेन उड़ा रहे थे, तो उन्होंने वहां अर्थ के अंदर जाने की ओपनिंग डिस्कवर करी। और जैसे ही वो अंटार्कटिका की बर्फीली चादर के अंदर ढकी ओपनिंग के अंदर जाते हैं, तो रिचर्ड ये देखते हैं कि अंदर का क्लाइमेट काफी ज्यादा अलग था बाहर के मुकाबले। जहां अंटार्कटिका के ऊपर की लेयर बर्फ की परत से ढकी थी, वहीं अंदर जाते ही वहां का क्लाइमेट टेम्परेट था। इस वजह से वहां मशी और हरियाली मौजूद। और जैसे ही एडमिरल रिचर्ड इस ओपनिंग के और अंदर जाते हैं, वो वहां का नजारा देखकर ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि न सिर्फ उन्हें वहां एक एडवांस सिटी दिखी जो कि क्रिस्टल की बनी थी, बल्कि उनके एयरप्लेन का कंट्रोल भी उनसे छिन गया। और उनके इर्द गिर्द उड़ रही फ्लाइंग सॉसर जैसी एयरक्राफ्ट ने उन्हें ग्राउंड पर टेक ऑफ करने पर मजबूर कर दिया। और एडमिरल रिचर्ड के टेक ऑफ करने के बाद उनकी मुलाकात होती है उस एडवांस सिविलाइजेशन के लीडर से, जिसको रिचर्ड अपनी डायरी में मास्टर के नाम से बुलाते हैं, जहां मास्टर एडमिरल रिचर्ड से ये बोलते हैं कि वो अर्थ के सरफेस पे रहने वाले इंसानों से काफी निराश हैं, और जिस तरह वो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से तबाही मचा रहे हैं, और तो और, किस तरह इंसानों ने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर तबाह कर दिए हैं। और तो और, उस सिविलाइजेशन के मास्टर ने इंसानों को ये भी चेतावनी दी कि उन्हें ये सब करना रोकना होगा। इसके अलावा भले ही ये कहानी लोगों को स्क्रिप्टेड या फेक लगे, पर रिचर्ड की ये स्टोरी यूएफओ रिसर्चर्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुई, क्योंकि जो रिसर्चर्स यूएफओ पर रिसर्च करते हैं, उनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही पूरी दुनिया भर में यूएफओ को देखने के केसेस बढ़ने लगे, और ज्यादातर यूएफओ साइट सीइंग उन्हीं इलाकों में देखी गई जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी और दूसरी मिलिट्री फैसिलिटीज मौजूद थी। यानी कि इतने सालों से जिन यूएफओ को देखकर हम ये सोचते थे कि वो दूसरी दुनिया में रहने वाले एलियन की स्पेसशिप हैं, लेकिन असल में वो दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों की नहीं, बल्कि हमारे अर्थ के अंदर रहने वाली एक एडवांस सिविलाइजेशन के स्पेसक्राफ्ट थे। रिचर्ड की डायरी के हिसाब से वो इस घटना की पूरी कहानी सबको बताना चाहते थे, पर यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें ये फोर्स किया कि वो कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हालांकि स्टोरी के लीक होने के बाद सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस कहानी को पूरी तरह फेक बोला, और साइंटिस्ट ने ये हवाला दिया कि जब उन्होंने अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए सीस्मिक वेव्स का इस्तेमाल किया ताकि वो अर्थ के अंदर की इमेज ले सके, तो ना तो उन्हें कोई हॉलो अर्थ का एविडेंस मिला, बल्कि अर्थ के अंदर सिर्फ सॉलिड रॉक और तो और निकल आयरन के लिक्विड अलॉय से बनी कोर की ही खोज करी। और तो और, रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि अर्थ का हॉलो होना टेक्निकली भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हमारी अर्थ हॉलो होती तो हमारी अर्थ की ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अर्थ तबाह हो चुकी होती। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि स्टोरी के लीक होने के बाद एडमिरल रिचर्ड के बेटे रिचर्ड एवलिन बर्ड, जो भी एक नेवल ऑफिसर थे, वो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का एक इवेंट अटेंड करने जा रहे थे, तो अचानक से ही वो गायब हो जाते हैं। और लगभग 20 दिन बाद 3 अक्टूबर 1988 उनकी डेड बॉडी मैरीलैंड के एक वेयरहाउस में मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्टोरी फेक थी और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये स्टोरी लीक हो, तो रिचर्ड के बेटे की अचानक से मौत कैसे हो गई? इसके अलावा इस हॉलो अर्थ की कंस्पिरेसी थ्योरीज और स्टोरी से इंस्पायर होकर साल 2008 में जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ नाम की एक मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसमें अर्थ के अंदर मौजूद मिस्टीरियस वर्ल्ड की जर्नी के बारे में बताया गया था।
तो अब सवाल ये उठता है कि एडमिरल रिचर्ड की लिखी हुई ये स्टोरी सच्ची थी या फिर एडमिरल रिचर्ड नेवल ऑफिसर, एक्सप्लोरर, एविएटर के साथ साथ एक स्टोरी राइटर भी थे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।